नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड कल आईपी यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा झोल करा था, बीबीए की डेट उन्होंने रिलीज करी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, बट उसको उसके बाद डिलीट कर दिया था। सो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चन थे, क्या भैया इस डेट को आगे करा जाएगा, पीछे करा जाएगा, या फिर क्या चेंजेस आएंगे इस डेट्स के अंदर। तो मुझे जितनी उम्मीद थी कि चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी कर देता है ऐसा ग्लिचेस की वजह से, साइड पे से डेट शीट्स को हटा देता है। सो इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने डेट शीट के अंदर चेंजेस नहीं करे थे। बट इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने सच में बीबीए वाले फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ में खेला है लिटरली में। मतलब उन्होंने क्या किया है, डेट शीट को बदल दिया है, और बदला भी कैसे है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सो अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि आज कौन कौन सी डेट शीट रिलीज करी गई है। वैसे तो 2-3 डेट शीट रिलीज हुई है, एंड इसके अलावा मेनली हम बात करने वाले हैं बीबीए की डेट शीट के बारे में। क्या क्या ऐसा आईपी यूनिवर्सिटी ने झोल किया है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ में, जो कि काफी ज्यादा गलत है और उनको शायद से ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत सारे बच्चे इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं कि यार ये तो बहुत ही गलत चीज करी है। लेकिन हाँ, वही बात है कि अब यार ये फाइनल डेट आ गई है, तो आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा खराब कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके मतलब जो भी प्रोसीजर्स हैं वो इतने ज्यादा खराब कैसे हो रहे हैं। पहले कुछ निकाल रही है, बाद में कुछ निकाल रही है, मतलब बच्चे इससे कंफ्यूज ही होंगे। उनको टाइम तो दो यार, प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं वो। मतलब वैसे में प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ पाएंगे वो, अगर आप लोग ऐसे डेट्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहोगे तो। मतलब वही बात है ना कि बच्चे पढ़ाई करेंगे भी कैसे। बट कोई नहीं, हम लोग फिलहाल अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट शीट रिलीज करी गई है आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो आज आईपी यूनिवर्सिटी ने बी वोक प्रोग्राम की फाइनल थ्योरी डेट शीट रिलीज करी है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की। तो ये तीनों सेमेस्टर की उन्होंने रिलीज करी है, 21 से इनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड इसी के अलावा आईपी यूनिवर्सिटी ने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की रिवाइज डेट शीट भी रिलीज करी है। सो आप लोग उसके अंदर चेंजेस देख सकते हैं। वो एज यूजुअल आई गेस 13 से ही स्टार्ट होने थे, या फिर मतलब शायद से 17 से होने थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ 13 तारीख से लॉ के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि बीबीए की डेट शीट के अंदर यार कल वाली डेट शीट और आज वाली डेट शीट, मतलब अब जो फाइनल डेट शीट आई है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। सो कल जो मैंने आप लोगों को डेट शीट बताई थी उसके अंदर ना मुझे आईटी लैब का एग्जाम इतनी इजीली नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस डेट शीट के अंदर आईटी लैब का एग्जाम था ही नहीं। सो आईपी यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि आईटी लैब का जो एग्जाम, मतलब कंप्यूटर्स लैब का जो एग्जाम है, उसको सबसे पहले रख दिया है, और बाकी एग्जाम्स को एज यूजुअल आगे पीछे करके, मतलब उन्होंने थोड़ी सी डेट्स को ऊपर नीचे कर दिया है। जो एग्जाम आपका एमपीओबी का होने वाला था 20th को, वो होने वाला 17 तारीख को। सो हाँ, इन्होंने डेट्स को काफी गलत तरीके से चेंज करा है। सो सबसे पहला एग्जाम आप लोगों का आईटी लैब का, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जाम है जो कि होने वाला है 15 फरवरी को। सो बच्चे पूछ रहे थे यार आईटी लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है। सो मैं इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपरली बनाकर आप लोगों को दे दूंगा कि आईटी लैब के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। अपना प्रोजेक्ट अगर आपने कंप्लीट कर रखा अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर ध्यान दो सबसे पहले, तो उसको कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड एग्जाम आप लोगों का एमपीओबी का, जो कि होने वाला 17 तारीख को, मतलब 17 फरवरी को। जो आपका लैब का एग्जाम है, पहले वाला प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो आपके खुद के कॉलेज में होगा। ये जो सेकंड एग्जाम आप लोगों का, मतलब ये रिटर्न वाला एग्जाम होगा, ये आप लोगों का होगा सेंटर के ऊपर आपके। एंड इसी के अलावा अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम की, वो होने वाला बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि होगा 20 फरवरी को। नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है एफए, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि होने वाला है 22 को। एंड इसी के एक दिन बाद, या फिर आप कह सकते हैं 2 दिन बाद, 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। फिर 27 को आप लोगों का आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिटर्न एग्जाम है, और लास्ट आपका आएगा 1 मार्च को आप लोगों का एग्जाम होएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। सो फिलहाल ये है पूरी डेट शीट, 15 तारीख से लेकर 1 मार्च तक आईपी यूनिवर्सिटी ने अब एग्जाम्स को रख दिया है, कौन से बच्चों के बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अब बच्चे पूछ रहे थे कि यार भैया जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं उनका क्या होने वाला है, क्या उनके लिए अलग डेट शीट आएगी, क्या उनकी डेट शीट वेरी करेगी। सो यार देखो, अगर मैं पहले के हिसाब से थोड़ा सा भी अनुमान लगाऊं, या फिर थोड़ा सा कैसे मैं एनालिसिस करूं, सो उसके अकॉर्डिंगली बीबीए की जो डेट शीट है उसके आगे पीछे ही बीकॉम की भी स्टार्ट हो रही थी पहले। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगा सकते हैं कि 17 से अगर बीबीए के स्टार्ट है, या फिर अगर हम लोग प्रॉपरली देखें 15 या फिर 17, इन दोनों तरीके से बीबीए के स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप लोग अपना भी देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स का, कि आप लोगों का उसी के अराउंड स्टार्ट होंगे एग्जाम्स। अगर ऐसे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए एकदम फाइनल, आप लोगों को ये जानना है कि हाँ यार ये एक्चुअल है, रियल है या नहीं है, मतलब आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी डेट शीट्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आप लोगों को पता करने होते हैं कि ये रियल है या फिर नहीं है। सो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कन्फर्म कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉमर्स भैया को, जहां पे आप लोगों को डेली लेटेस्ट अपडेट्स आईपी यूनिवर्सिटी की मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।